सिलेक्शन करते वक्त ये जरूरी नहीं कि जो गजल का शायर है उसका बहुत बड़ा नाम हो, बहुत मशहूर हो, क्योंकि अभी जो गजल आप सुनेंगे वो बिल्कुल नए शायर की थी, राणा सहरी। जो गजल मेरे सामने आई तो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे सच्चाइयां हैं कुछ आजकल मॉडर्न लाइफ की, तो मैंने कंपोज की। और कंपोज भी मैंने उसको इजीएस्ट ट्यून में कंपोज कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ट्यून जो है वो एक फोक ट्यून है पंजाब की, जिसको मिर्जा कहते हैं। अब ये धुन है पुरानी, अभी इस पे मैंने गजल बैठाई वो। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त, कोई दोस्त है न रकीब है। तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून।
किसे कहूं मेरे साथ चल, किसे कहूँ मेरे साथ चल, 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 किसे कहूँ, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है,
यहाँ सब के सर पे सलीब है, यहाँ सब के सर पे सलीब है। मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, यहां सबके सर पे सलीब है। सलीब कहते हैं क्रॉस को, सूली, जीसस क्राइस्ट अपना सलीब खुद उठा के ले गए थे। तो हर आदमी को अपनी अपनी प्रॉब्लम है, जिनको इनको अपनी प्रॉब्लम है कि सामने जा रहे हैं। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है।